हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। मैं हूं अर्चिता नयन और आपके सामने फिर से हाजिर हो चुकी हूं जीके की मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चंस के सेट के साथ, जिसमें से कम आपको 16 के सवाल के सही सही जवाब दे देने हैं। अगर आपने 16 के दे दिए तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं दिए तो आपको और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये सभी क्वेश्चन आपके बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से लिए गए हैं, और सभी सवालों के जवाब देने के लिए मिलेगा आपको 5-5 सेकेंड्स का वक्त। आपको उन्हीं 5 सेकेंड्स में हमें इसके जवाब देने होंगे। अगर आपको उससे ज्यादा का वक्त चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है? अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन या बहुत? जल्दी से जल्दी इसके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और सभी सवालों के जवाब आपको क्वेश्चन नंबर के साथ दे रहे, ताकि हमें पता चल सके कि आपने किस क्वेश्चन के जवाब दिए। और आखिर में यह भी कमेंट करके बताना कि आपके में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। आई होप आपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए होंगे। तो अगर हम बात करते हैं जीवों में अत्यधिक विविधता के कारण की, तो यह है उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सवाल नंबर दो, अधिक रक्तस्राव है कैसा रोग है? एक जीवाणु घटित रोग, एक विषाणु घटित रोग, प्रदूषण घटित रोग या एक अनुवांशिक कार। तो अगर हम बात कर रहे हैं अधिक रक्तस्राव की, तो यह एक आनुवंशिक विकार है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सवाल नंबर तीन, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? चार ऑप्शन है, प्रजनन, प्रतिरूपण, उत्परिवर्तन या संयोजन। तो सही जवाब है उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सवाल नंबर चार, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है किस चीज की? अस्थि कोशिकाओं की, प्लेटलेट की संख्या में, लाल रक्त कोशिकाओं में या फिर श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में? ल्यूकेमिया में किस चीज की बढ़ोतरी होती है? तो सही जवाब है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सवाल नंबर पांच, अंगुलियों के निशानों की बहुरंगी सतह पर उभारने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? कर्णमूल, मैग्नीस डाइऑक्साइड, चारकोल या फ्लोरोसेंट वाटर। हमें जब पता करना होता है अंगुलियों के निशानों की बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए, तो उसके लिए हम किस चीज का उपयोग करते हैं? तो सही जवाब है फ्लोरेसेंट पाउडर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सवाल नंबर छह, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? जावा मानव, क्रोमैग्नॉन मानव, नियंडरथल मानव, एक मानव। सही जवाब है, अगर हम बात कर रहे हैं आधुनिक मनुष्य के हाल पूर्वज के, मैग्नॉन मानव, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर सात, वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभवतः कब हुआ था? अफ्रीका के नील नदी, कैस्पियन और भूमध्य सागर, या चीन, या सभी क्षेत्रों में वर्तमान जाति कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभवतः हुआ? तो सही जवाब है अफ्रीका के नाइल नदी के निकट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सवाल नंबर आठ, पूर्व पाषाण काल आता है आदि मानव के पाषाण काल के है। सही जवाब है प्रागैतिहासिक आता है, और मानव जहां मानव
संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक है वह कौन सा महाद्वीप जहाँ मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले? अफ्रीका, एशिया। सही जवाब है अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। हमारे चैनल करना बिल्कुल ना, और मजा ले। तो नेक्स्ट, अग्नि करने वाला प्रागैतिहासिक कौन था? एक का नाम दावा केंडर था या मैग्नो? सर्वप्रथम अग्नि का प्रथम प्रयोग किया था जावा कवि मानव ने या नंबर बी? सवाल, सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव दावा से नहीं। सही जवाब है बी, पहला प्रागैतिक था, ऑप्शन ए। मानव का दो पैरों पर चला हुआ दावा मानव सवाल नंबर, प्रागैतिहासिक मानव सबसे पहले संभवतः रहने या बनाना तथा के साथ दफनाना प्रारंभ किया था। कौन सा प्रागैतिहासिक मानव था जो सबसे पहले जो या के साथ दफनाना मानव या इनमें से? सही जवाब है नीलकंठ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सवाल नंबर 14, पृथ्वी पर मानव को हैप्पीनेस का इतिहास कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था? प्रारंभ हुआ 10,000, 50,000 या इनमें नहीं? सही जवाब है 10,000 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट है सवाल नंबर 15, प्रागैतिहासिक मानवों के जीवाश्म रिकॉर्डों से पता चलता है कि शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी सबसे पहले किसने की थी? टैगोर ने, जावा कवि मानव ने, पेंग मानव ने या फिर नियंडरथल ने? तो जिस तरीके से प्रागैतिहासिक हाथी मानवों के जीवाश्म रिकॉर्ड मिले उसके शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी की बात की गई, तो ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो सवाल नंबर 16, इनमें से किसे आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज माना जाता है? आधुनिक मानते हैं रामा, होमो इरेक्टस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अगर हम बात कर रहे हैं आधुनिक मानव के सीधे पूर्वज की, तो यह माना जाता है होमो इरेक्टस को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 17, क्षेत्र विशेष में किसी जीव जाति के सारे सदस्यों के जीन बनाते हैं आबादी का कौन सा भाग? जीन, तीन रूप अर्थात जीनोटाइप, जीन प्रवाह या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जीन पूल। नेक्स्ट है सवाल नंबर 18, ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल स्तनियों तथा शेष पृथ्वी पर यूथीरिया के जैव उद्विकास के में परस्पर किस प्रकार के उद्विकास का आभास मिलता है? द उद्विकास, अपसारिक,
समांतर उद्विकास या अभिसारी उद्विकास? तो अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल स्तनी और स्विस पृथ्वी पर यूथीरिया के जैव उद्विकास में परस्पर उद्विकास का किस उद्विकास का आभास मिला है? तो समांतर उद्विकास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 19। एक नई जीव जाति की उद्विकाशीय उत्पत्ति तब हो जाएगी जब युग्मकजन में पारगमन के समय विविध गुण सूत्रों के खंडों की अदला बदली हो जाएगी, या किसी आबादी में इतने जीन परिवर्तन हो जाएंगे कि इसका अन्य आबादियों से जननिक हो जाएगा, या युग्मकजन में संजात के बीच पारगमन में तो बदला बदल जाएगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। किसी भी एक नई जीव जाति की उद्विकासीय उत्पत्ति तब होगी जब किसी आबादी में इतने जीन परिवर्तन हो जाएंगे कि इसका अन्य आबादियों से जननिक पृथक्करण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आखिरी क्वेश्चन, सवाल नंबर 20। आनुवांशिक अपवाहन या विचलन कैसी होती है? इसमें जींस के अंतर प्रजनन से कोई समानता नहीं होती है, या जींस की बारंबारता के क्रमबद्ध परिवर्तन होता है, या बड़ी आबादियों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव बारंबारता में अनियत परिवर्तन होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आनुवांशिक अपवाहन या विचलन बड़ी आबादियों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव उत्पन्न करता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही जीके क्विज के वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।